Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to our channel. Hope you all are good at your home and doing great. तो हम जो है 10th क्लास का साइंस 2 का चैप्टर 7 पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी. पार्ट 1 हमने पढ़ लिया है, पार्ट 2 आज जो है हम लोग देखने वाले हैं. हम जानते हैं कि खुर्दबीनी हयातियात जो है, यानी ऐसे हयातियात यानी ऐसे बैक्टीरियाज, फफूंद, उसमें अच्छे बैक्टीरियाज बुरे बैक्टीरियाज दोनों आते हैं, जो हमको नॉर्मली आंखों से नहीं दिखाई देते. बहुत बारीक सालमात होते हैं वो, जो हमारी बॉडी में जो है वो एक अहम रोल अदा करते हैं. हमने देखा था इसके दो पहलू थे, एक जो है वो किस तरह माहौलियाती तरीके से खुर्दबीनी हयातियात का इस्तेमाल होता है, और एक जो है वो किस तरह प्रोडक्ट बनाने में, किसी भी चीज़ की तैयारी में, स्पेशली जो बेकरी आइटम है या डेयरी आइटम्स है उनकी तैयारी में इनका जो है वो किस तरह से इस्तेमाल होता है. तो पार्ट 1 में हमने वही चीज़ें पढ़ी थी कि प्रोडक्ट्स किस तरह होते हैं. आज जो हम देखेंगे माहौल के लिए, समाज के लिए जो है खुर्दबीनी हयातियात का इस्तेमाल किस तरह किया गया था. सबसे पहले इसमें जो आता है वो है खुर्दबीनी हयाती खामरे, यानी माइक्रोबियल एंजाइम्स. एंजाइम मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी क्या होता है. एंजाइम जो है वो ऐसे हयाती सालमे होते हैं जो किसी भी कीमियाई तामुल की शरह को यानी स्पीड को बढ़ाते हैं. तो जब भी किसी जानदार के जिस्म में कोई कीमियाई तामुल होता है, कोई रिएक्शन होता है, तो उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए जिस्म में जो है वो ऐसे हयाती खामरे मौजूद होते हैं, जो और बहुत से बैक्टीरियाज भी जो है वो ऐसे खामरे का रोल अदा करते हैं, और फिर जो है वो कीमियाई तामुल की शरह बढ़ती है. तो खुर्दबीनी हयाती खामरे जो है वो बॉडी से बाहर यानी जो कीमियाई सनत में जो एक्चुअली कीमियाई अमल होते हैं वहाँ पर जो है वो अब वहाँ पर भी ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाने लगा. यानी ऐसे बहुत से खुर्दबीनी हयातियात हैं, ऐसे बहुत से जो है वो बैक्टीरियाज है, फफूंद है, जिनका इस्तेमाल जो है वो कीमियाई अमल की शरह बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है. इसमें जो है वो उनका दर्ज हरारत, उनका जो पीएच लेवल होता है वो, और दबाव की सतह कम होती. खामरे जो होते हैं उनका टेम्परेचर नॉर्मल होता है, पीएच लेवल कम होता है यानी तेजाबियत उसमें कम होती है, दबाव की सतह जो है वो कम होने की वजह से ये ज़्यादा फाल होते हैं यानी ज़्यादा काम में आते हैं, और इसमें जो है वो तवानाई की बचत भी होती है, और ताकुल रोकने वाले महंगे आलात की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि खामरे जो है वो जो ताकुल का अमल है उसे भी रोक सकते हैं और उसे भी जो है वो ठीक करने की कुव्वत रखते हैं, जो हम लास्ट में टॉपिक है को देखेंगे. खामरे मखसूस अमल ही अंजाम देते हैं, गैर ज़रूरी हासिलात नहीं बनते. जितना उनका काम यानी शरह बढ़ाने का काम है तो वही वो करते हैं. कोई कीमियाई तामुल में खामरे के साथ रिएक्शन करके कोई अलग चीज़ नहीं बनती है, इसीलिए जो है वो इनका खर्चा भी थोड़ा कम होता है, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं बनती है, गैर ज़रूरी हासिलात नहीं मिलते हैं, तो फिर उनका अखराज और तजिया जैसे अमल जो है वो नहीं करने होते हैं. खामरों को जो है वो दोबारा इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इसीलिए जो है वो खामरों को माहौल दोस्त खामरे भी कहते हैं, जो आजकल इंडस्ट्रीज में बड़े पैमाने पर जो है वो इस्तेमाल हो रहा है. इसमें जो है मिसालें दी गई है आपको, जिसमें से कम जो है वो 3 या 4 जो नाम है वो याद करने ही पड़ेंगे. मैंने यहाँ पे नीचे एक्स्ट्रा भी नाम दिए हैं, अगर आपको ऊपर वाले उसमें कोई टफ लगता है तो आप लोग ये एग्जांपल्स भी यूज कर सकते हैं. इसमें मिसाल है ऑक्सीडोरकेटेसिस, ट्रांसफेरेसिस, हाइड्रोलिसिस, लाइसिसिस, आइसोमेरेसिस, लाइगिसिस, ये तमाम जो है वो खुर्दबीनी हयाती खामरों की मिसाल है. इसमें बैक्टीरियाज होते हैं, ईस्ट होती है, फफूंद होता है, काई वगैरह जो है सब मिक्स होती है, मतलब वो सारी चीज़ें जो है इसमें शामिल की जाती है. अब इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, मुसफ़ा यानी जो डिटर्जेंट होता है किसी भी चीज़ को धोने के लिए, स्पेशली कपड़ों वाला, तो डिटर्जेंट में खामरे शामिल करने से कम तपिश पर भी जो है उसका मैल निकाला जा सकता है. मकई के निशास्ते यानी जो मकई का कॉर्न स्टार्च जो होता है उस पर से बेसिलिसिस और स्ट्रिप्रिटियोमाइसिस के जरिए हासिल शुदा खामरे के यानी उसमें से जो खामरे वो लोग निकालते हैं उसके तामुल से ग्लूकोज फ्रिक्टोज सिरप जो है वो तैयार करते हैं. तो किसी भी जो किस्म की चीज़ होती है जो बनती है, या नबातात का अर्क निकालना, कपड़े की जो सनत है, चमड़े की जो कारखाने हैं, कागज़ जैसी कई सनतों में जो है वो इस्तेमाल होता है. इस यानी यहाँ पे आपको नीचे जो है वो चार्ट भी दिख रहा होगा, डिटर्जेंट में, पेपर में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड जो कपड़ों की इंडस्ट्री है, लेदर, बायोफ्यूल्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट, फूड, स्टार्च प्रोसेसिंग जो हमने अभी मकई का देखा, और केमिकल प्रोसेस, सारी जगह पर जो है वो ये माइक्रोबियल एंजाइम्स यानी जो खुर्दबीनी हयाती खामरे हैं उनका इस्तेमाल होता है. अब यहाँ आपको जो है वो एक बॉक्स दिया गया है, जो एक खामरा है स्प्रिलजिस
नाइगर, उसके मुताबिक और भी दूसरे खामरे जो है वो इसमें इस्तेमाल किए गए। सनअती पैदावार में जो है वो अमीनो एसिड और उनके लिए मुफीद खुरजानदार जो है वो किस तरह बनाए जाते हैं, किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं और किस इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है वो जो है वो इसमें दिया गया है। अगर आपको बहुत टफ लग रहा है तो आप लोग ये पार्ट जो है ये बॉक्स जो है स्किप भी कर सकते हैं। आपकी पसंदीदा आइसक्रीम, पुडिंग, चॉकलेट्स, मिल्क शेक, मशरूब यानी जो जूस वगैरह है, कॉफ़ी वगैरह, ये सब जो है वो फौरी तैयार होने वाले जो इंस्टेंट सूप मिलते हैं जिसे सिर्फ उबाल कर तैयार कर दिया जाता है, तो इनमें जो है आपने नोटिस किया होगा एक तरह का गाढ़ापन होता है। अगर आप लोग स्पेशली पुडिंग या मिल्क शेक या सूप देखे हैं तो जो उसमें अगर नोटिस करें तो उसमें जो है वो एक तरह का गाढ़ापन होता है, तो वो गाढ़ापन जो है वो जिनेथिन गोंद से आता है। अब वो जिनेथिन गोंद क्या होता है, स्टार्च और झाग इन दोनों को, इन दोनों में जो है जेनेथोन मोनास नामी जो है वो एक खामरा होता है, उसकी तखमीर से ये गोंद बनाया जाता है। गोंद मतलब एकदम ऐसा ग्लू जैसा गोंद नहीं बनाया जाता है, एक तरह का जो है ये पाउडर फॉर्म में आता है, ग्लू फॉर्म में भी आता है, उसको जो है पानी के साथ मिक्स करके या डायरेक्ट जो है वो उसमें डाला जाता है। जिस तरह से कॉर्नफ्लावर होता है जो गाढ़ा करने का काम करता है, उसी तरह से जो है वो बड़े पैमाने पर जेनेथिन ग्लू या जेनेथिन गोंद जो है वो इस्तेमाल होता है। इसकी खसूसियत क्या है, गर्म और सर्द पानी में ये जल्दी से डिजोल्व हो जाता है, हल हो जाता है। ऊंची कसाफत इन खसूसियत की वजह से जो इसके इस्तेमाल होते हैं कहाँ कहाँ होते हैं, रंग में यानी पेंट में, खाद के लिए, घास कश, कपड़ों के रंग, टूथपेस्ट, आला मियार के कागज़ वगैरह बनाने में जो है वो इसका इस्तेमाल होता है और खाने में इस्तेमाल होता है, ये हमने जो है अभी देखा था। खुर्दबीनी हयाती अमल से हासिल होने वाले अशिया और उनके अफाल, यहाँ पर जो है पूरा एक बॉक्स दिया गया है उसमें कौन कौन से खुर्द हयाती अमल से जो है अशिया तैयार होती है और उसमें वो क्या काम अंजाम देता है वो जो है यहाँ पे दिया है। जैसे साइट्रिक एसिड, मेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड वगैरह जो है वो उसमें तेजाबियत पैदा करते हैं, एसिडिक जो है वो एसिड है ये सारे, तो वो तेजाबियत पैदा करते हैं। ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, ट्रिपोफिन ये जो है वो प्रोटीन की बंदिश बनाते हैं। नाइसिन, नाटामाइसिन खुर्द जानदार पर काबू करते हैं। B2, B12, विटामिन सी वगैरह ये जो है वो विटामिन है जिद्द तकसीद यानी जो है वो बीमारी कुव्वत मुदाफियत बढ़ाते हैं। ये बेटा कैरोटीन, लाइकोपिन, जेनेथिन, ल्यूटेंस ये सब जो है वो गिजाई रंग है यानी ये एडिबल कलर्स है जो नुकसान नहीं करते। इसके अलावा एसेंस है और महलूल को गाढ़ा बनाने के लिए जो है इस्तेमाल होती है। मसनूई मिठास जो शक्कर की बजाय जो चीज़ें यूज़ होती है ताकि जो है वो डायबिटीज़ वालों को ज़्यादा नुकसान ना करे, तो अलग अलग चीज़ों के लिए जो है वो अलग अलग खुर्दबीनी हयातियाँ जो है वो मौजूद हैं। अब जो है हम देखेंगे ज़िद्द हयातियाँ क्या होता है, जिसे कहते हैं एंटीबायोटिक। लास्ट पार्ट में हमने देखा था प्रोबायोटिक जो एंटीबायोटिक से डिफरेंट होता है। एंटीबायोटिक क्या करता है, एंटीबायोटिक जिसमें मौजूद अच्छे और बुरे दोनों बैक्टीरियाज़ को ख़त्म कर देता है, लेकिन प्रोबायोटिक क्या करता है, वो जिसमें जो बुरे बैक्टीरियाज़ हैं उनको ख़त्म करता है और अच्छे बैक्टीरियाज़ की तादाद और सलाहियत बढ़ाने में मदद करता है। तो इसीलिए जो है वो आजकल प्रोबायोटिक्स का चलन एंटीबायोटिक से ज़्यादा हो गया है। एंटीबायोटिक एक्चुअली क्या होता है, मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरियाज़ और फफूंद के ज़रिए हासिल करदा ज़िद्द हयातिया की वजह से इंसान और दीगर हैवानात के कई अमराज पर काबू पाया जा चुका है। जो भी बैक्टीरियाज और फफूंद होते हैं उसको जो है वो लैब में उसके अंदर से ज़िद्द हयातिया, ज़िद्द हयातिया यानी जो हमारी बॉडी में बीमारी से लड़ने की ताकत देता है और कुव्वत मुदाफियत बढ़ाता है, इंसान का इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो मजबूत करता है, तो वो वैसे वाली जो है वो सारे एलिमेंट्स उसमें से बैक्टीरिया और फफूंद में से लेकर और फिर उसको जो है वो इंजेक्शन के फॉर्म में, टैबलेट्स के फॉर्म में, सिरप के फॉर्म में बनाया जाता है और उसकी वजह से हमने देखा है काफ़ी सारे जो है वो बीमारियों पर काबू पाया जा चुका है। इसमें जो कॉमन है वो है पेनिसिलिन है, सेफिलिस फोरेनिस है, मोनोबैक्टीम, बेसिटिरेसिन, एरिथोमाइसिन, जिटामाइसिन, जिसमें से आपने काफ़ी नाम जो है वो डॉक्टर्स के मुंह से या मेडिकल वगैरह पर सुना भी होगा। इसमें से भी अगर आप लोग 3 या 4 नाम याद कर लेंगे तो आपको एग्जांपल में लिखने के लिए काफ़ी होगा। ये जो है यहाँ पर ज़िद्द हयातिया के मुख्तलिफ किस्मों के नाम दिए गए हैं और ये जो है वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के खिलाफ जो है वो काम किए हैं, सक्सेसफुली काम किए हैं। ग्राम पॉजिटिव यानी जो मतलब ऐसे कमज़ोर बैक्टीरियाज नहीं, अच्छे खासे जो है वो एक
मजबूत वायरस के खिलाफ जो है वो ये लोगों ने काम अपना किया है। इसमें जो है एक एग्जांपल यहाँ मैं पेनिसिलिन की दिखा रही हूँ कि पेनिसिलिन जो है वो उसमें से जो है वो लिया जाता है, वो खामरा फिर उसको जो है वो फर्मेंट किया जाता है, तखमीर की जाती है उसकी, उसके बाद जो है उसके मॉलिक्यूल्स निकाल कर और फिर उसको जो है वो मेडिसिन के फॉर्म में ढाला जाता है। तो इस तरह का इसका प्रोसेस है। तपेदिक यानी टीबी जो है उसकी बीमारी के खिलाफ रेफामाइसिन करके जो है एक एंटीबायोटिक काफ़ी मौसर साबित हुई और तब जो है इस बीमारी पर थोड़ा कंट्रोल किया जाने लगा। अब है खुर्दबीनी, जानदार और ईंधन। हमने दवा देख ली, अब जो है हम देखेंगे कि ईंधन में किस तरह जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी फ्यूल में, क्योंकि हम जानते हैं कि आलूदगी जो है वो कितनी ज़्यादा ईंधन की वजह से भी जो है उनके इस्तेमाल की वजह से बढ़ रही है। तो इसीलिए जो है वो अब थोड़ा माहौल दोस्त ईंधन की तरफ जो है वो हम झुक रहे हैं। तो इसमें जो है वो खुर्दबीनी जानदार का क्या रोल है वो देखेंगे। सबसे पहले बड़े पैमाने पर पैदा होने वाले शहरी ज़रई सनती कचरे का खुर्दबीनी जानदारों के जरिए गैर ऑक्सीजनी तज्जिया करके मिथेन गैस का ईंधन हासिल होता है। बहुत बड़े पैमाने पर हम जानते हैं पूरी हर जगह से, सिर्फ इंडिया की बात करें तो बहुत टन कचरा निकलता है इंडिया में, और वो शहर का हो, खेती बाड़ी से जो कचरा निकलता है ज़रई या देहाती कचरा, सनती कचरे जो होते हैं जिसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसानों के लिए और हमारे माहौल के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो इसमें जो है वो कुछ माइक्रोबल्स छोड़े जाते हैं, यानी कुछ खुर्दबीनी हयातियात छोड़े जाते हैं, और उसके तामुल से जो है फिर उसमें गैर ऑक्सीजनी तज्जिया होता है, जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, उसमें जो है वो इन लोग मिथेन गैस का ईंधन इससे हासिल करते हैं। यानी जितने भी कचरे हैं उसका और जो है खुर्दबीनी जानदारों का एक साथ जो है वो कीमियाई तामुल होता है, और उससे जो है वो फिर मिथेन गैस जो है वो इन लोग तैयार करते हैं, और फिर मिथेन गैस जो है वो एज एन ईंधन इस्तेमाल होता है। सेक्रोमाइसिस नामी खमीर को जब गन्ने के बाकियात में मिलाते हैं तब एथेनॉल एल्कोहल नामी एक साफ धुएं के बगैर का जो है वो ईंधन मिलता है। अब एथेनॉल जो है वो अगर हम लोग ज़ियोमोनस मोबिलिस के साथ मिलाए या इसका जो गैर ऑक्सीजन तज्जिया होता है जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, तब जो है वो जो एल्कोहल ड्रिंक्स वाली होती है वो बनती है। लेकिन जब सेक्रोमाइसिस के साथ जो है वो गन्ने के बाकियात के साथ इसको मिलाते हैं तब जो एथेनॉल बनती है वो एज एन ईंधन यानी लिक्विड फ्यूल के तौर पर जो है वो इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद आता है हाइड्रोजन, जो एक मुस्तकबिल का ईंधन माना जाता है, और बहुत से हाइड्रो प्रोडक्ट्स आजकल जो है वो प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन का भी जो है वो एक इसमें ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किए जाने का तरीका है। पानी का हयाती ज़ियाई तहलील, ज़ियाई यानी रोशनी में, बायो फोटोलिसिस ऑफ वाटर में जराशीम ज़ियाई तहलील करते हैं और हाइड्रोजन गैस का इखराज होता है। यानी इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी जो पानी है उसको जो है वो रोशनी के नीचे से गुजारा जाता है और उसमें जो ऑक्सीजन है वो तहलील कर देती है रोशनी, और सिर्फ जो है वो हाइड्रोजन गैस हमें हासिल होती है। फिर वो हाइड्रोजन गैस को जो है वो एज एन ईंधन इस्तेमाल करते हैं। ईंधन की तरह मुख्तलिफ सनती कीमियाई मादे माइक्रोबियल तामुल के जरिए बनाए जाते हैं, जैसे कि कीमियाई सनत में खाम माल के तौर पर फायदेमंद एल्कोहल, एसीटोन, कार्बनी तेजाब, चर्बी के अज्जा, पॉलीस्क्राइड्स, प्लास्टिक, गिजाई अशिया की पैदावार, और खाम माल के तौर पर भी जो है कुछ मुफीद चीज़ें इस्तेमाल की जाती है। यानी ये सिर्फ एग्जाम्पल्स है, आपको जो है याद रखनी है। अब आता है हयाती ईंधन यानी बायोफ्यूल, यानी माहौल से जो है वो किस तरह ईंधन हासिल किया जाता है। इसके लिए जो है आपकी बुक में एक जो है वो डायग्राम भी दिया गया है। नए ज़माने की तवानाई के ज़राए में हयाती ईंधन एक अहम जरिया है। ईंधन ठोस हालत में जैसे पत्थर का कोयला है, गोबर है, फसलों के बाकियात है, माय हालत में जैसे नबाती तेल है, एल्कोहल, एथेनॉल है, गैसी हालत में जैसे गोबर गैस है, कोल गैस है, इन सारे फॉर्म्स में जो है हमारे माहौल में दस्तियाब है। ऐसे ईंधन जो है वो बहुत बड़ी मकदार में और आसानी से दस्तयाब होते हैं, और मुस्तकबिल में इन्हीं ईंधनों पर इन्हेसार है। हम देखते हैं, और इससे पहले 9th स्टैंड में भी जो हमने पढ़ा था कि किस तरह जो है वो माहौल की ही चीज़ों से जो है वो ईंधन हासिल किया जाता है, जैसे सेलुलोज का यहाँ शक्कर में तब्दील हो जाना, यहाँ हयाती कमियत है, कटाई, गहना, मतलब
माहौल में जो चीज़ें मौजूद है और जो बाकियात मिलते हैं उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके जो है वो बहुत से प्रोजेक्ट, जैसे अभी हमने मिथेन गैस का देखा, इसके अलावा जो है वो गोबर गैस का प्रोजेक्ट जो है वो भी हयाती ईंधन में शामिल होता है, कोल गैस है, एथेनॉल जो तैयार होता है उसे एज एन ईंधन इस्तेमाल करना, तो ये सारे जो है हयाती ईंधन है जो माहौल की ही चीज़ों से जो है वो उसको बड़े ही आसानी से और बहुत बड़ी मिकदार में जो है वो हम ये ईंधन बना सकते हैं। खुर्दबीनी जानदारों के जरिए आलूदगी पर काबू। आबादी के बढ़ने के साथ ही कचरा, गंदा पानी, मुख्तलिफ आलूदगियों की मिकदार भी बढ़ जाती है और इस मुतालिक जो है वो कोई बात बताने ऐसी बची नहीं है, क्योंकि हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या हो रहा है। इसी के साथ फैलने वाली बीमारियाँ, उससे माहौल की बर्बादी, ये जो है वो एक इंटरनेशनल मसला, एक बैन अलावी मसला है। खुसूसन आबादी के ज़्यादा होने की वजह से भारत जैसे मुल्क के शहरों में मसाइल बढ़ गए हैं, स्पेशली मुंबई है, दिल्ली है, बंगाल, चाइना वगैरह, जो ऐसी सारी जो है वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, यहाँ पर जो है वो ये मसला बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इन मसलों को बर वक्त और मुनासिब तरीके से हल नहीं किया गया तो तमाम जानदारों की अगली नस्ल के लिए ज़िंदगी जीना दुश्वार हो जाएगा। इस बात से हम वाकिफ है कि बायोगैस प्लांट और जो कंपोस्ट खाद बनाने के जरिए ठोस कचरे की निकासी के लिए खुर्दबीनी जानदारों की मदद ली जाती है, जो अभी हमने देखा, लेकिन जहाँ पर कई टन कचरा रोज़ाना जमा होता है वहाँ पर जो है वो कचरे की मुनासिब निकासी किस तरह होती है, क्योंकि रोज़ का रोज़ जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर कचरा निकलता है। तो रोज़ रोज़ अब ये जो हम प्लांट देखते हैं, बायोगैस प्लांट या जो मिथेन गैस बना रहे हैं, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, खाद बनाने के लिए भी उसको जो है वो काफ़ी वक्त के लिए छोड़ना पड़ता है। तो रोज़ का रोज़ जो कचरा निकल रहा है उसकी निकासी फिर किस तरह होगी, तो उसके लिए एक तरीका है जिसे कहते हैं लैंड फिलिंग, यानी ज़मीन को भरने की जगह। जो बहुत बड़े बड़े मैदान होते हैं या बहुत खाली सुनसान इलाके होते हैं वहाँ पर जो है वो ऐसी प्लांट्स जो है ऐसे प्रोजेक्ट्स जो है वो बिछाए जाते हैं। शहरों में जमा होने वाला तहलील शुदा कचरा जो है वो इस तरीके में इस्तेमाल होता है, यानी ऐसे कचरे जो हल हो सकते हैं, इसमें प्लास्टिक वगैरह नहीं आता है मोस्टली, और जो धात है वो सब नहीं डाली जाती है, वो सब चीज़ें अलग से मेल्ट होती है, वो इंडस्ट्रीज में होता है। शहरी आबादी से काफ़ी दूर खुली जगह पर गढ़े करके, यानी खड्डे खोद कर उसमें प्लास्टिक के अस्तर लगाए जाते हैं। अस्तर क्यों अस्तर यानी एक पतली तह लगाई जाती है ताकि कचरे के गंदे या जहरीले माइयात जो है वो जज्ब हो के वो जगह की मिट्टी आलूदा ना हो या वो मिट्टी खराब ना हो, बंजर ना हो जाए। फिर जो है वो उसमें दबा हुआ कचरा यानी जो कंप्रेस्ड कचरा है उसे जो है वो गढ़ों में डाला जाता है। अब कंप्रेस्ड कचरा, अगर आप लोगों ने कोई कचरे की फैक्ट्री देखी होगी जहाँ पर जो है वो निकासी की जाती है, तो वो लोग जो है वो सारा कचरा एक साथ जो है वो दबा कर उसको जो है वो एक पर्टिकुलर शेप दे देते हैं ताकि लाने ले जाने में उनको आसानी हो। तो वो कंप्रेस्ड कचरा जो है वहाँ डाला जाता है, फिर उस पर मिट्टी है, लकड़ी का भूसा है और आधी सड़ी हुई घास है या जो कुछ भी खास उनके हयाती केमिकल्स होते हैं उनकी एक तह चढ़ाई जाती है। कुछ जगह पर जो है वो बायो रिएक्टर्स मिलाए जाते हैं और फिर कचरा और मिट्टी या तह बनाने के लिए जो भी इस्तेमाल हुए जो मादे, जिन ऊपरी जो तय है वहाँ पर जो है वो खुर्दबीनी जानदार इन कचरों की तहलील करना शुरू करते हैं। गढ़े को जो है वो पूरी तरह भर के मिट्टी का लेप लगाकर बंद करते हैं, यानी उस पर जो है वो उसके सारे जो साइड्स है या उसकी सारी जो ओपन एरियाज है वहाँ पर मिट्टी का पूरा मिक्सचर लगाकर उसको एकदम सील कर देते हैं और कुछ हफ्ते बाद उस जगह जो है वो आला दर्जे की खाद तैयार हो जाती है। आला दर्जे की खाद क्योंकि उसमें जो है वो किसी किस्म का यानी बहुत कम पैमाने पर जो है वो केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, जो चीज़ें हैं वो हमारे माहौल की ही होती है और उसमें जो है उनका उनकी तहलील जो है वो खुर्दबीनी हथियार के जरिए की जाती है। फिर वो खाद जो है वो बाहर निकाल ली जाती है और फिर वो खाली ज़मीन को जो है वो फिर से इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं ज़मीन भरने की जदीद जगह, आबी सतह की देख रेख के लिए यहाँ पर जो है कुआँ खोद दिया गया है ताकि एज इन सेफ्टी मेजर्स, और यहाँ पर जो है वो ये एक अस्तर चढ़ाया जाता है, उसमें जो है वो कचरा भरा जाता है, फिर मिट्टी का गिलाफ चढ़ाया जाता है। यहाँ पर जो है जो भी उनको कीमियाई मल डालने हैं या बाकी चीज़ें जो भी उनके केमिकल एलिमेंट्स होते हैं वो सब डालकर जो है वो इसे फिर पैक करके छोड़ दिया जाता है। उसके बाद आता है सेवेज मैनेजमेंट यानी गंदे पानी का इंतज़ाम, जो एक बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पर गांव में हर घर का गंदा पानी ज़मीन या बायोगैस के प्लांट में छोड़ा जाता है, लेकिन शहरों में जमा होने वाला पानी जो है वो प्रोसेस सेंटर में जाता है और उस पर जो है वो माइक्रोबियल अमल होता है यानी खुर्दबीनी हयातियात का अमल किया जाता है।
क्या किया जाता है? गंदे पानी के किसी भी मुरक्कब का तजिया करने वाले इस तरह कालरा, पेचिश या जितने भी बुखार के बैक्टीरियाज हैं, ऑफकोर्स गंदे पानी में जो है वो दुनिया भर के बैक्टीरियाज और वायरस मौजूद होते हैं, तो ऐसे खुदबीनी जानदार इसमें शामिल किए जाते हैं जो इन बीमारियों को, इन बैक्टीरियाज को ख़त्म कर सकते हैं। वो गंदे पानी के कार्बनी अशिया को तहलील करते हैं, उसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस तैयार होती है। फेनल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया जो है गंदे पानी में इंसान के बनाए हुए जेनोबायोटिक्स को तहलील करता है, यानी जो भी उसमें इंसानी कचरा या जो केमिकल चीज़ें बनती है, या अगर वो किसी सनत का कचरा है, किसी सनती कचरा है, तो वो जो उसमें नुकसानदार चीज़ें होती है उनको जो है वो फेनल ऑक्सीडाइजिंग नाम का एक बैक्टीरिया जो है वो तहलील करता है। इस अमल में तहलील होने वाला कीचड़ यानी जो आखिर में गाढ़ा जो मादा बनता है स्लज, उसको जो है वो खाद के तौर पर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह खुदबीनी हाथी अमल होने के बाद जो पानी होता है वो माहौल के लिहाज से खतरनाक नहीं होता, क्योंकि उसमें जो बीमारियां थी, उसमें जो नुकसानदार एलिमेंट्स थे, उन सबको जो है वो तहलील कर दिया गया है, उनको ख़त्म कर दिया गया है। गंदे पानी से आलूदा माहौल के जानदारों के अलावा इलाज के लिए खुदबीनी जानदारों का इस्तेमाल जो है वो फिर होता है, यानी यहाँ से जो है वो पानी डाला जाता है, फिर यहाँ से वो छान के थोड़ा नीचे आता है, यहाँ पर जो है फिर उस पर सारे जो है वो अमल होते हैं, एक एक करके उस पर खुदबीनी हथियार छोड़े जाते हैं ताकि वो जो है वो तहलील कर दे, और यहाँ पर जो है वो स्लज तैयार होता है, और फिर वो स्लज को एज ए खाद इस्तेमाल कर दिया जाता है यहाँ से लेकर, और बाकी पानी जो है वो छोड़ दिया जाता है। उसके बाद आती है साफ टेक्नोलॉजी यानी क्लीन टेक्नोलॉजी। क्लीन टेक्नोलॉजी यानी इंसान के जरिए तैयार करदा केमिकल का खात्मा करने की सलाहियत खुदबीन जानदारों में कुदरती तौर पर होती है। इस सलाहियत का इस्तेमाल करके हाइड्रोकार्बन और दीगर केमिकल्स तब्दील किए जाते हैं, यानी चंद खुदबीनी जानदार जो है वो ईंधक से गंधक यानी सल्फर जो है वो अलग कर सकते हैं, उनमें खसूसियत होती है। हल्की किस्म की धातुओं में तांबा, लोहा, यूरेनियम और जस्त यानी जिंक जैसी धातें जो है वो माहौल में जंग आलूद होती है, ताकुल का अमल उन पर होता है, उनमें जंग लगती है, तो थायोबैसिलस और सल्फ्यूलोबेस जरासीम की मदद से इन धातुओं को जंग लगने से पहले जो है वो मुरक्कबात में बदल देते हैं, तो इस तरह जो है वो ताकुल का अमल जो है वो इसमें रोक लिया जाता है। समुंदर में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर पेट्रोलियम तेल का रसा होता है, ऑफकोर्स ऐसे भी अगर टैंक में कोई मसला आ जाए तो भी जो है वो तेल रिसने लगता है समुंदर में। इसके अलावा अगर जो है वो किसी जो है वो नाव का या किसी शिप का जो है वो एक्सीडेंट हो जाता है या वो जो है वो डूब जाती है तो भी जो है वहाँ पर काफ़ी बड़े पैमाने पर तेल का रिसा होता है, और ये जो तेल होता है वो आबी जानदार के लिए ख़तरनाक होता है, जहरीला होता है, तो पानी पर तैरने वाले तेल की तह को तकनीकी तरीके से दूर करना आसान नहीं है, क्योंकि एक तो जो है वो तेल को वैसे भी उतना छान के नहीं ले सकते और बहुत बड़े पैमाने पर फैल जाता है। लेकिन अल्केनी, वरिक्स, बार्क्योमेसिस और सेडोमोनास बैक्टीरियाज में पेरेंडिस और दीगर केमिकल को ख़त्म करने की सलाहियत होती है, जिसकी वजह से तेल की तय को ख़त्म करने के लिए इन बैक्टीरिया के ग्रो का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इनको जो है वो HCB यानी हाइड्रोकार्बोनक्लास्टिक बैक्टीरियाज जो है वो कहते हैं। तो क्या करते हैं, जिस जगह पर जो है वो तेल की तह जो है वो गिरी है या रसा हुआ है, वहाँ पर जो है वो ऐसे नाव के पीछे आप लोग देख सकते हैं ऐसे चार जो है वो बॉक्स लगा दिए गए हैं, उनके अंदर जो है वो ये खुदबीनी हयातियात होते हैं, तो पूरा चक्कर मार कर जो है वो इन हयातियात को वहाँ छोड़ दिया जाता है, और फिर जो है ये वो तेल की तह को जो है वो ख़त्म कर देते हैं। तो ये एक तरह से जो है वो माहौल दोस्त भी है और जो है वो समुंदर की जो जानदार है उनके लिए जो है वो ख़तरा भी टल जाता है। HCB यानी हाइड्रोकार्बन क्लास्टिक बैक्टीरियाज जो है वो कार्बन को, हाइड्रोकार्बन को तहलील करके उसकी कार्बन के ऑक्सीजन से मिलाप किया जाता है। इस अमल में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी तैयार होता है, तो पानी पानी में मिल जाता है। प्लास्टिक की बोतलें जो होती है, जो PTP यानी पॉलीथिलीन टेराप्थेलाइट पॉलिस्टर कीमियाई शय से जो है बनी होती है, और हम जानते हैं आज के ज़माने में प्लास्टिक का किस कदर इस्तेमाल हो रहा है, तो ये बात जो है वो अभी अभी दरियाफ्त हुई, अभी मतलब एकदम इस साल नहीं, कुछ वक्त पहले जो है बात दरियाफ्त हुई कि आइडोनेला साकी एनेसिस, सॉरी इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत कन्फ्यूजिंग है, ये जो है वो PTP यानी प्लास्टिक को जो है वो तहलील कर सकता है, हल कर सकता है। तो इस तरह कचरे में मौजूद जो रबर भी होता है जो इतनी आसानी से हल नहीं होता है, तो वो भी जो है वो एक्टिनोमोसेटिस
स्ट्रिपिडोमाइसिस, एनारकार्डिया, एक्टिनोप्लेसिस नामी जो फफूंद की किस्में पाई जाती है वो रबर को तहलील कर सकती है। यानी प्लास्टिक और रबर जो हमारे कचरे की नक्काशी में सबसे ज़्यादा जो है वो मसला था, उन चीज़ों को भी जो है वो हल करने वाले हयातियात अब ढूंढ लिए गए हैं, तो वो चीज़ें भी जो है अब शुरू हो गई। यानी प्लास्टिक की भी नक्काशी का इंतज़ाम शुरू हो गया है। आप जानते हैं कि मादनी कानों से निकाली गई अशिया और तेजाबी बारिश में सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसीलिए जो मुजस्मे, जो स्कल्पचर्स होते हैं, स्टैचूज होते हैं, पुल हैं, इमारतों की धात जो है वो फरसूदगी उसमें होने लगती है, उसमें जंग लगने लगती है, तो जंग लगती है तो फिर फरसूदगी नहीं टूटने लगती है वो फिर। तो फेरोऑक्सीडेस बैक्टीरिया और एसिडिफिलम बैक्टीरिया के लिए सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक तवानाई का जरिया है, इसीलिए तेजाबी बारिश की वजह से होने वाली ज़मीनी आलूदगी पर ये बैक्टीरिया काबू करते हैं। यानी ये दोनों जो बैक्टीरियाज है वो सल्फ्यूरिक एसिड को एज ए तवानाई लेते हैं, तो वो जो है वो सारी चीज़ों में से सल्फ्यूरिक एसिड जज्ब कर लेते हैं और जो ज़मीन पर इस तरह की आलूदगी होती है, जो ये फरसूदगी का अमल होता है, उसे वो रोक लेते हैं। जौहरी तवानाई के प्रोजेक्ट से माहौल में छोड़े जाने वाले फाजलात और बरकी मलम्माकारी के अमल में पैदा होने वाले मादों में जो यूरेनियम के नमक पानी में हल पजीर होते हैं, यूरेनियम जो है वो नमक के पानी में हल पजीर होता है, तो जियोबैक्टर नामी एक बैक्टीरिया होता है जो इन यूरेनियम के नमक को गैर हल पजीर नमकियात की शक्ल में तब्दील करके ज़मीन में मौजूद पानी के जखीरों में से मिलने से रोकता है। यूरेनियम जो है वो बहुत ही ख़तरनाक धात है, जो है वो अगर वो पानी में या ज़मीन पर जो है वो ऐसे खुले में रहे, आज़ाद रहे, तो वो जो है वो ज़मीन को, माहौल को जो है वो नुकसान पहुंचा सकती है। तो जियोबैक्टेरिया नाम का जो है वो एक बैक्टीरिया होता है जो यूरेनियम को जो है वो पानी के जखीरों से मिलने से रोकता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये खुर्दबीनी हयातियात काफ़ी हद तक जो है वो माहौल दोस्त है। खुर्दबीनी जानदारों के टीके, अब टीके से यहाँ मुराद जो इंजेक्शन वाले टीके होते हैं वैसे नहीं, ये जो है वो नबातात में डाले जाते हैं। खमीर के अमल से कुछ खुर्दबीनी जानदारों के टीके भी बनाए जाते हैं। बीजों को बोने से पहले इन पर तगजियाती टीके की फुहार की जाती है, यानी कि जबकि कई टीले जो है वो नबातात में डाले जाते हैं, यानी या तो बीजों पर जो है वो छिड़काव होता है या फिर जो है वो प्लांट जब बीज डाली जाती है तभी जो है वो उसके अंदर ये लोग लगा देते हैं। नामियाती खेती करते वक्त मसनूई नाइट्रोजिनेज एजियोबैक्टेरिस मिले हुए माइयात इस्तेमाल किए जाते हैं। कीमियाई खादों की वजह से होने वाली ज़मीनी आलूदगी को इस चीज़ों से रोका जा सकता है। ऑफकोर्स जब बहुत ज़्यादा जो है वो पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, कीमियाई खाद यूज़ करते हैं, तो ज़मीन जो है वो बंजर हो जाती है। तो ज़रात के पेशे में कीमियाई हशरात कश दवा और जराशिम कश दवाओं में फ्लोरसिटामाइड जैसे कीमियाई मादे अब मिट्टी में शामिल हो जाते हैं, फिर वो दीगर नबातात और जानवरों के लिए जो जानवर जो है वो उस नबातात को खाता भी है उसके लिए भी जो है वो अलग अलग बीमारियों का सबब बनते हैं। मिट्टी में मौजूद इस किस्म की हशरात कश दवाओं को जो है खुर्दबीनी जानदारों की मदद से ख़त्म किया जा सकता है, इसीलिए जो है वो इस तरह के खुर्दबीनी जानदारों के टीके जो है वो बनाए जाते हैं। इसमें जो है वो पहले खुर्दबीनी जानदार को लिया जाता है, फिर उसको जो है उसमें से जो खास खास जो हमको चाहिए खूबी वो लेकर जो है वो जो भी प्रोडक्शन होने वाली है उसमें मिला दिया जाता है, उसके बाद वो अपना अमल अंदा करता है और फिर जो है वो नबातात पैदा होते हैं, मतलब जो भी नबातात है उनकी फसल होती है। हयाती जरासीम कश दवाएं यानी बायो इंसेक्टिसाइड्स बैक्टीरिया और फपून से हासिल होने वाले फसलों के कीड़े मकोड़े बीमारियों के जरासीम का खात्मा करने वाले माइयात बैक्टीरिया से हासिल होने वाले टॉक्सिक हयाती टेक्नोलॉजी की मदद से बराह रास्त नबातात में जो है वो दाखिल कर दिए जाते हैं। यानी जो फसलों के कीड़े मकोड़े हैं उनको दूर रखने के लिए, बीमारियों के जो जरासीम है उनका खात्मा करने के लिए बहुत से जो ऐसे बैक्टीरियाज हैं, अच्छे बैक्टीरियाज, वो नबातात में डायरेक्टली डाल दिए जाते हैं। कीड़ों के लिए ये जहरीले होने की वजह से कीड़े नबातात को नहीं खाते, यानी नबातात एक तरह से सेफ है बैक्टीरिया के, जैसे ही फफूंद और वायरस की किस्मों का इस्तेमाल हयाती हशरात कश दवाओं में भी होने लगा है। फफूंद पर अमल से मिलने वाली जेली पैदावार स्पाइनोसेड हयाती हशरात कश है, ये एक आपको मिसाल दी गई, यानी पौधों में जो है उनकी जड़ों में या उनके बीज में जो है वो ये डाल दिया जाता है, फिर वो अमल करती है, और चूंकि वो बैक्टीरियाज कीड़ों के लिए जहरीले हैं इसलिए कीड़े जो है वो नबातात को नहीं खाते और नबातात भी सेफ रहता है और बीमारियों से जो बीमारियों वाले जो वायरस है वो भी जो है इसमें ख़त्म हो जाते हैं। सो विद दैट नोट हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, उम्मीद है आपको समझा होगा। कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।